नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं राशन मित्र पोर्टल पर जो अभी भी शेष रह गए हैं पात्र हितग्राही, उनको अब हमें जोड़ना है। उसकी पूरी समय सारणी देखेंगे, पूरा टेबल देखेंगे, किस डेट से किस डेट तक क्या क्या कार्रवाइयां करना है, किस कौन कौन के दायित्व रहेंगे, ग्राम पंचायत सचिव महोदय, फिर जनपद कार्यालय, और उसके बाद खाद्य विभाग, इसी तरह से वार्ड कार्यालय, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, फिर खाद्य विभाग, पूरा एनआईसी का काम भी करेगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का भी। तो एनएफएसए में जितने भी पात्र हितग्राही अभी भी वंचित है खाद्यान्न से, तो उनकी राशन पर्ची अब हमें जनरेट करना है। मतलब नवीन हितग्राही अब जो है इस अभियान में जुड़ सकेंगे और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो करना क्या है दोस्तों, यह मैं वीडियो जो बना रहा हूँ दोनों व्यक्तियों के लिए, आम नागरिक के लिए भी है और कर्मचारी अधिकारीगण के लिए भी है। आम नागरिक को यह करना है कि जो भी अधिकारी कर्मचारीगण डॉक्यूमेंट मंगाए, आधार कार्ड हुआ या फिर समग्र आईडी या राशन कार्ड, जो भी संबंधित चीजें हैं वो बुलाएं। तो उस क्योंकि वो हमें अपलोड भी करना पड़ता है, वो कर्मचारी को अधिकारी को अपलोड भी करना पड़ता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट समय से दें। और अधिकारी कर्मचारीगण भी का भी दायित्व है कि जल्दी जल्दी सारे पात्र हितग्राहियों के आवेदन को ऑनलाइन कर आगे प्रेषित करते जाए। ठीक है, ग्राम पंचायत से जनपद पंचायत, जनपद पंचायत से खाद्य विभाग, फिर खाद्य विभाग से पर्ची आपकी जनरेट होगी ग्राम पंचायत में, फिर उसको प्रिंट कर हितग्राहियों को प्रदान करना। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, पूरे समय सारणी दिखाऊंगा इस पूरे वीडियो में, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप कंटिन्यू अब वीडियो पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जैसा कि हम हर पोर्टल के हर न्यू अपडेट से अवगत होते जाते हैं, उसी के तहत दोस्तों हम आज राशन मित्र पोर्टल से संबंधित एक नया आदेश देखने जा रहे हैं। जो अभी राशन जिनको मिल रहा है, अब उसके अतिरिक्त भी और भी जो लोग बचे हुए हैं राशन प्राप्त करने में, जो भी पात्र व्यक्ति, उनको भी राशन प्राप्त होगा, तो उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है, तो वही हम आज देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा आदेश निकाला जा चुका है। क्रमांक देख सकते हैं आप, भोपाल दिनांक 12/8/2022 को ही आदेश निकला है। प्रति समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश, क्या क्या कार्रवाइयाँ होना है, कैसे टेबल वाइज में आपको दोस्तों दिनांक वाइज बताऊँगा, किस तरह से किस तारीख से किस तारीख तक क्या क्या कार्रवाई करना है, हमें किस तरह हितग्राहियों का सिलेक्शन करना है, पूरी चीज़ें तो ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो आम नागरिक के लिए भी है और अधिकारी कर्मचारी गण के लिए भी है। विषय एनएफएसए अंतर्गत शेष रहे पात्र परिवारों को सम्मिलित करने बाबत। उपरोक्त विषय अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए का ही फुल फॉर्म है दोस्तों, अंतर्गत मध्य प्रदेश में कुल 5.46 करोड़ लोगों को पात्रता की सीमा रखी गई थी। कितने की? 5.46 करोड़ लोगों को, जिसमें से वर्तमान में 5.08 करोड़ हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। मतलब अभी थोड़ा गेप है, अभी कम लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, तो अब क्या है, हम पूरी यहां तक बढ़ा सकते हैं सीमा, कहां तक? 5.46 करोड़ लोगों तक। ठीक है, तो इस प्रकार राज्य में वर्तमान में 38 लाख नवीन हितग्राहियों को और जोड़ा जाकर लाभान्वित किया जा सकता है। तो इनमें जो डिफरेंस है वो 38 लाख का है, तो हम 38 लाख और नवीन हितग्राहियों को जोड़ सकते हैं, उन्हें लाभान्वित कर सकते हैं। अतः आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत जिन पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसे छूटे हुए पात्र परिवारों के सदस्यों को स्थानीय निकायों के अमले के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत अधिसूचित 27 प्राथमिकता परिवार श्रेणी में लाभान्वित करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। चिन्हांकन की प्रक्रिया किस तरह से होगी वो पूरा देख लेते हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एक भी स्टेप मिस होती है तो आगे पूरी प्रक्रिया समझने में दिक्कत होगी, इसलिए पूरा वीडियो एक स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत एवं वार्ड कार्यालय द्वारा, ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत कार्यालय में
और नगर पंचायत या नगर परिषद या नगर पालिका में वार्ड कार्यालय में द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 अंतर्गत अधिसूचित 27 प्राथमिकता परिवार श्रेणियों के सदस्यों से संपर्क कर उन लाभार्थियों को चिन्हांकित करना जो वर्तमान में NFSA अंतर्गत किसी श्रेणी में लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। 27 प्राथमिकता परिवार श्रेणी कौन सी है मैं पुराने वीडियो में दिखा चुका हूँ और भी मैं दोस्तों इस पर वीडियो बना दूंगा जिस मैं तो कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ जैसे BPL कार्ड धारक हितग्राही सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स के हितग्राही दिव्यांगजन ऐसे कई सारी प्राथमिकता श्रेणी है कर्मकार मंडल के हितग्राही तो वो 27 पूरी प्राथमिकता श्रेणी आपको मैं एक बार और बता दूंगा। स्थानीय निकाय के अमले द्वारा एम राशन मित्र पोर्टल पर स्थानीय निकाय के अमले द्वारा एम राशन मित्र पोर्टल पर नवीन पात्रता पर्ची जारी करने सदस्यों को जोड़ने हेतु निर्धारित आवेदन में पोर्टल पर आधार नंबर मोबाइल नंबर पात्रता श्रेणी वर्तमान पते तथा पात्रता श्रेणी संबंधी दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। ठीक है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरा काम जो है ऑनलाइन करना है पोर्टल पर सारी जानकारी भरना है और कौन सा पोर्टल है राशन मित्र पोर्टल एम राशन मित्र पोर्टल। इसके बाद क्या होगा दोस्तों पंजीकृत लाभार्थी का आवेदन www.rashanmitra.nic.in पोर्टल पर दर्ज कर स्थानीय निकाय के सक्षम अधिकारी को अग्रेसित करना मतलब सेंड करना। ठीक है लाभार्थी का आवेदन मैंने पूरी प्रोसेस पहले बताई है किस तरह से आवेदन करना है ग्राम पंचायत से और वेबसाइट भी यही है www.rashanmitra.nic.in इस पर किस तरह से आवेदन दर्ज करना आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना पड़ता है जैसे मैंने आपको दिखाए थे आप ये यहाँ जो डॉक्यूमेंट लिखे हैं इस तरह से अपलोडिंग भी करना है और फिर स्थानीय निकाय से ग्राम पंचायत को जनपद पंचायत में और वार्ड कार्यालय को नगर पालिका नगर परिषद नगर निगम ऑफिस में ठीक है सेंड करना। स्थानीय निकाय के अधिकारी द्वारा आवेदन का परीक्षण कर अनुशंसा कर खाद्य विभाग को अग्रेसित किया जाना मतलब इसके बाद क्या प्रोसेस होती है ऐसे ग्राम पंचायत से अग्रेसित कर दिया प्रोसेस कर दिया उसके बाद जनपद पंचायत में जाता है वार्ड कार्यालय का नगर पालिका नगर निगम नगर परिषद में जाता है आवेदन तो उसी को बोलते हैं हम स्थानीय निकाय के अधिकारी द्वारा आवेदन का परीक्षण कर अनुशंसा कर खाद्य विभाग को अग्रेसित करना मतलब अब जनपद पंचायत जो रहेगी वो फॉर्म को कहाँ भेजेगी खाद्य विभाग में ठीक है जो फूड ऑफिस है वहाँ पर भेजेगी। फिर पोर्टल पर स्थानीय निकाय द्वारा अनुशंसित पंजीकृत लाभार्थियों की ASO JSO द्वारा स्वीकृति तथा उचित मूल्य दुकान से मैपिंग करना तो जो जनपद पंचायत से जो अग्रेसित होता है या नगर पालिका नगर निगम नगर परिषद से जो अग्रेसित होता है फॉर्म है ना वो जाता है सीधे किसके पोर्टल पर खाद्य विभाग के पोर्टल पर फूड सिक्योरिटी पोर्टल पर जाता है फूड विभाग में जाता है वहाँ पर जो अधिकारी हैं ASO JSO वो उसको स्वीकृत करते हैं उनके हाथ में है आवेदन को स्वीकृत करना या अस्वीकृत करना। ठीक है वो पूरी जांच कर स्वीकृति करते हैं और उचित मूल्य दुकान से फिर मैपिंग करते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस जैसे ग्राम पंचायत में तो वहाँ पर वो मैपिंग कर देते हैं। ठीक है NIC भोपाल द्वारा जिले से प्राप्त डेटा को NIC हैदराबाद के साथ शेयर कर पात्रता पर्ची जारी करना जो ऑनलाइन जो जनरेट होती है राशन मित्र पर पोर्टल पर जो पर्ची वो NIC ऑफिस जो है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर का भोपाल का वो हैदराबाद से संपर्क करते हैं और उनके साथ शेयर कर फिर पात्रता पर्ची जनरेट करते हैं जारी करते हैं। फिर है पात्र परिवारों को जारी पात्रता पर्चियों को स्थानीय निकाय के माध्यम से जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरण कराया जाना पात्र परिवारों को जो जारी पात्रता पर्ची रहेगी ये सब ने बताया कि लॉगिन कर हम पूरी डाउनलोड कर लेते हैं उस पर सील सिग्नेचर करना है खाद्य विभाग के अधिकारी को भी और जैसे ग्राम पंचायत में सचिव महोदय भी और उसको उस पात्र उस जो पर्ची रहेगी उसको जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरण कराया जाना है हितग्राहियों को। ठीक है प्रत्येक बुधवार को होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उक्त कार्य की समीक्षा की जाएगी प्रत्येक बुधवार को जो VC होती है उसके उसमें इस कार्य की समीक्षा की जाएगी। अब हम पूरा समय सारणी देखते हैं टेबल क्या क्या किस किस तरह से करना है ये पूरा अभियान चल रहा है दोस्तों इसलिए दोनों आम व्यक्ति को भी और अधिकारी कर्मचारी गण को भी पूरा पता होना जरूरी है। NFSA अंतर्गत शेष रहे पात्र परिवारों को सम्मिलित करने हेतु समय सारणी क्रमांक कार्यवाही दायित्व और समय सीमा पूरी चीजें दी हुई हैं। कार्यवाही पहली अपने को क्या करना है पात्र परिवारों से पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र आधार कार्ड
मोबाइल नंबर एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज सहित आवेदन प्राप्त करना है। फिर राशन मित्र पोर्टल पर दर्ज कर स्थानीय निकाय के सक्षम अधिकारी को अग्रेषित करना है। मतलब ये ग्राम पंचायत लेवल पर है, इसका दायित्व भी लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत सचिव या वार्ड प्रभारी, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में वार्ड प्रभारी, नगरीय निकाय में वार्ड प्रभारी और ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव। समय सीमा यह 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, आज 22 अगस्त हो चुका है, तो 16 अगस्त से 30 अगस्त 2022 तक ये अभियान चलना है, चल रहा है। अभी भी यदि स्टार्ट नहीं किया हो तो आप स्टार्ट कर दें, 16 अगस्त से 30 अगस्त 2022 तक ये अभियान चल रहा है। तो आम नागरिक भी जान ले कि हमें जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट देना है हमारी ग्राम पंचायत में, वार्ड कार्यालय में, और अधिकारी कर्मचारीगण भी जो पात्र अधिकारी उनसे सारे डॉक्यूमेंट प्राप्त कर लें 30 अगस्त तक, है ना, 16 अगस्त से 30 अगस्त 2022 तक। फिर है ग्राम पंचायत एवं वार्ड कार्यालय से राशन मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का परीक्षण व सत्यापन कर स्वीकृति हेतु सहायक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को अग्रेषित किया जाना। ये कार्य कौन करते हैं? स्थानीय निकाय के सक्षम अधिकारी, मतलब जनपद कार्यालय के में जो अधिकारी हैं वो, और जिसे वार्ड कार्यालय से जो जाएगा आवेदन नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में, वो उनके अधिकारी वो यहाँ से कहाँ पर प्रेषित करेंगे पूरे आवेदन को उनकी परीक्षण और सत्यापन कर खाद्य विभाग को। ये होगा 16 अगस्त से 5 सितंबर 2022 को। मतलब अभी भी आप जैसे आवेदन करते जा रहे हैं, कलेक्ट ऑनलाइन करते जा रहे हैं, तो वो आवेदन आगे बढ़ता जाएगा, इसलिए दोस्तों जल्दी जल्दी कर लीजिए, तो अभी से ही आवेदन पूरा हो जाएगा। तो ये भी कब से? 16 अगस्त से 5 सितंबर 2022 तक ये कार्य चलेगा। फिर स्थानीय निकाय से राशन मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का परीक्षण व स्वीकृति किया जाना जिला आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी सहायक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, मतलब जो आवेदन पहले पहले जो है हितग्राही ने आवेदन ग्राम पंचायत दिया, ग्राम पंचायत से जनपद पंचायत गया, जनपद पंचायत से खाद्य विभाग गया, तो ये खाद्य विभाग का कार्य है कि स्थानीय निकाय से राशन मित्र पोर्टल प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करना और फिर उनकी स्वीकृति जारी करना है, ठीक है। तो ये कार्य भी कब है? 16 अगस्त से 10 सितंबर 2022 तक चलेगा। तो ये कार्य भी फटाफट हो रहा है दोस्तों, इसलिए जल्दी जल्दी आवेदन करते रहें। जिलों द्वारा स्वीकृत परिवारों के डेटाबेस का परीक्षण कर खाद्यान्न आवंटन NIC, मतलब दोस्तों ये पूरा डाटा कहाँ जाता है? NIC हैदराबाद जाता है, वहाँ से फिर क्या होता है कि हमारी पात्रता पर्ची जनरेट होती है। तो जिलों द्वारा जो स्वीकृत परिवारों के डेटाबेस का परीक्षण करना है उस कर खाद्यान्न आवंटन NIC हैदराबाद को डाटा प्रेषित करना, ये करेगा NIC भोपाल, मतलब नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर भोपाल, ये करेंगे प्रेषित 11 सितंबर से 15 सितंबर 2022 तक। इनकी तारीख जो है कार्रवाई 11 सितंबर से 15 सितंबर 2022 तक। NIC हैदराबाद से प्राप्त डाटा के आधार पर नवीन तथा संशोधित पात्रता पर्ची जारी कर JSO लॉगिन पर PDF प्रारूप में उपलब्ध कराया जाना, ये भी NIC भोपाल द्वारा किया जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, हम जब देखते हैं तो PDF रूप में हमें पर्ची दिखती है पूरी राशन पर्ची, तो ये क्या है कि जब NIC हैदराबाद से डाटा प्राप्त होता है तो यदि जो भी नवीन पर्ची है वो भी, और जैसे मान लीजिए एक घर में 5 सदस्य थे और किसी बच्चे ने जन्म लिया और संख्या बड़ी, बहु आई, 7 से 8 हो गए, तो वो भी संशोधित पात्रता पर्ची रहती है, नवीन पात्रता पर्ची, वो JSO लॉगिन पर मिलती है, मतलब खाद्य विभाग के लॉगिन में मिलती है, वहाँ से PDF प्रारूप में उपलब्ध कराया जाना है। तो वो कौन करेगा? NIC भोपाल, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर भोपाल। इनकी तारीख है 25 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक, इस बीच में ये पूरा कार्य हो जाएगा। अब नवीन परिवारों की पात्रता पर्चियां प्रिंट कर हितग्राहियों को वितरण किया जाना, यह है स्थानीय निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा सहायक कनिष्ठ आपूर्ति द्वारा, मतलब स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत में जैसे सचिव महोदय हो गए, पंचायत सचिव महोदय हो गए, और नगर पालिका नगर निगम में और या फिर वार्ड कार्यालय में जो CMO साहब, या साथ में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, मतलब JSO भी यहाँ से जो खाद्य विभाग के हैं वो अधिकारी भी, तो इनके सिग्नेचर होते हैं जैसा उन्होंने बताया, खाद्य विभाग और ऐसे ग्राम पंचायत सचिव महोदय के दोनों को हस्ताक्षर कर, तो उनकी परिवारों की पात्रता पर्चियाँ प्रिंट कर ग्राम पंचायत के लॉगिन से हितग्राहियों को वितरण किया जाना। ये 5 अक्टूबर 2022, मतलब अब जो पर्ची मिलेगी इस अभियान के तहत वो मिलेगी 5 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। विभागीय कैलेंडर अनुसार नवीन जुड़े परिवारों का खाद्यान्न आवंटन जारी कर POS मशीन पर उनकी पात्रता पर्ची जो है प्रदर्शित किया जाना, ये NIC हैदराबाद के माध्यम से होता है।
तो जो इनको जितने भी नवीन जुड़े परिवार हैं उनको खाद्यान्न का आवंटन जो होगा वो POS मशीन, जिस जो आप अंगूठा लगा के खाद्यान्न लेते हैं उस मशीन पर पात्रता पर्ची को दिखाना, वो NIC हैदराबाद करेगी 9 अक्टूबर 2022 से। मतलब 9 अक्टूबर 2022 से वो अंगूठा वाली जो मशीन है POS मशीन, उस पर सभी का डाटा दिखने लगेगा। नवीन जुड़े परिवारों को कार्यक्रम आयोजित कर जन प्रतिनिधियों के माध्यम से राशन वितरण सुनिश्चित करना। अब जितने भी नवीन जुड़े परिवार हैं या नवीन संशोधित जो परिवार हैं उनकी पात्र पर्ची जितनी भी नवीन आई है, तो उनको सभी को, उन सभी परिवारों को कार्यक्रम एक आयोजित करना है। अच्छा, जन प्रतिनिधियों के माध्यम से राशन को वितरित भी कराना है, ठीक है। ये क्षेत्रीय सहायक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं उचित मूल्य के दुकान के विक्रेता की जिम्मेदारी होगी, ठीक है, इनके दायित्व तो रहेंगे। तो ये खाद्य विभाग करेंगे, जो दुकान रहती है हमारे सोसाइटी रहती है उचित मूल्य दुकान के विक्रेता, वो ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मतलब खाद्य विभाग भी, ठीक है। ये होगा जो कार्यक्रम, ये होगा 15 अक्टूबर 2022 को, 15 अक्टूबर 2022 को एक साथ ये कार्यक्रम होगा और सभी को जो है जो नवीन जुड़े हैं परिवार उनको राशन का वितरण होगा जन प्रतिनिधियों के माध्यम से, ठीक है। मैंने पूरा आपको दोस्तों टाइम टेबल दिखा दिया पूरा शुरू से आखिर तक, तो पूरा कार्यवाही में लग जाइए और बहुत अच्छा काम है, जल्दी जल्दी हमें करना है। हितग्राही भी जागरूक रहे, जल्दी जल्दी अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रदान कर दे ग्राम पंचायत में, और अधिकारी कर्मचारी गण भी इसको जल्दी से प्रोसेस कर आगे बढ़ा दें। अतः उपरोक्त अनुसार NFSS अंतर्गत शेष रहे पात्र परिवारों को सम्मिलित करने के लिए समय सीमा में कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव महोदय, मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा आदेश निकाला जा चुका है और प्रतिलिपि भी प्रत्येक विभाग में दी जा चुकी है, ठीक है। तो ये दोस्तों आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, पूरा मैंने टेबल भी दिखाया आपको कि हमें किस किस तरह से क्या क्या कार्रवाई करना है। इसी प्रकार दोस्तों हर छोटी से बड़ी जानकारी से अवगत होने के लिए आप मेरे साथ बने जरूर रहिए। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों यदि आप स्वेच्छा से कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं चैनल को, तो ज्वाइन बटन से कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।